चापाटी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू दिस, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। इसमें आपको कह रहा है कि आपके पास 1/7 रेशनल नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आता है, तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बिना लॉन्ग डिविजन के। अभी तक हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाल रहे थे, लॉन्ग डिविजन मेथड करके उसे डिवाइड करते थे, 7 को हम 1 से डिवाइड करते थे, तब हमारे पास ये जो इसका क्वेश्चन था ये आता था। लेकिन अभी हमें ये जो करना है ये बिना लॉन्ग डिविजन मेथड के करना है। तो बच्चे हम उसे कैसे करेंगे, 1/7 का हमें दिया है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। तो हम 2/7 का कैसे निकालेंगे, 2/7 को हम पहले ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 2 × 1/7 में। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 2 ही तो आएगा, 2 × 1/7, 2/7 ही तो आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1/7 की जगह पे ये वाली वैल्यू यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे रख देंगे, जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, 2 × 0.142857 बार। मैं आपको एक मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी, बाकी मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, ओके। से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 = 14 कैरी 1, 2 × 5 = 10, 1 × 11 कैरी 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17 कैरी 1, 2 × 4, 1 × 5, 2 × 4 = 8, 2। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद आएगा, जितने डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बार लिख देंगे, क्योंकि रिपीट भी दोगा 2/7 का। तो क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किसका आया, 2/7 का। सेम हम क्या निकालेंगे, 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। इसको ब्रेक करेंगे कैसे, 3 × 1/7 में, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 4/7 इसे ब्रेक करेंगे 4 × 1/7 में, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। फिर हम करेंगे 6/7 का, इसे ब्रेक करेंगे 6 × 1/7, और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इनका आंसर लिख देते, 3 × 1/7 को मल्टीप्लाई करके आए 0.428571 बार। 4/7 को मल्टीप्लाई करके आए, 4 × 1/7 को मल्टीप्लाई करके आए 0.571428 बार। 6 × 1/7 को मल्टीप्लाई करके आया 0.857142 बार, ओके। आई होप आपको ये मल्टीप्लाई करना आ गया होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, एक्सप्रेस 0.9999 अप टू सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें ये रेशनल नंबर के फॉर्म में शो करना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब आपके पास जो इसका आंसर निकलेगा P/Q के फॉर्म में उसका क्या सेंस निकलता है वो आपको बताना है। आंसर इसका 0.9999 अप टू सो ऑन। आपको मैंने P/Q के फॉर्म में इस डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करना बताया था। हम क्या करते थे, सबसे पहले से 0.9 बार लिख देंगे, क्योंकि 9 हमारा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और जो भी नंबर हमारे जो भी डिजिट हमारी रिपीट होती है उसे हम क्या करते थे, बार से उसके ऊपर बार लगा देते हैं। योग्या इस जो भी हमारे पास नंबर है उसे हम क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं, हमारा एक्स इज इक्वल्स टू योग्या। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा जितने भी डिजिट में हमारा बार लगा हुआ होता है उतने डिजिट में हम क्या करेंगे, 1 के पीछे उतने 0 लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 1 है
वन डिजिट के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई से भी करेंगे 0.999 एंड अप टू सोन, यहाँ पे हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा हमारा 9.999 एंड अप टू सोन। फिर हम क्या करते हैं, इसे ब्रेक करते हैं x के फॉर्म में, तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999 हो जाएगा एंड अप टू सोन। इस 0.999 को हमने क्या माना है, x माना है, यहाँ पे पुट कर देंगे x, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x और ये प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 9x इज इक्वल टू 9। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 9/9 यानी कि क्या आया हमारे पास, 1 आया। 1 क्या होता है हमारा, एक रेशनल नंबर होता है ना, इसके 1 कैसा आएगा, 1/1 क्योंकि वैल्यू 0 तो नहीं होगी ना, क्योंकि वैल्यू रेशनल नंबर में 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे 1/1 यानी कि 1 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। दूसरा p/q के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर है। फिर ये क्या बोल रहा है, इसका सेंस बताओ। इसका सेंस ये निकलता है कि हमारे पास अगर एक डिजिट, एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हम उस वैल्यू के ऊपर बार को हटा करके क्या कर देते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं 9 से। जैसे हमें दे रखा है 0.3 बार, अगर हमें कहा कि इसका हमें, इसे हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस बार को हटा देंगे और इस बार को हटाने के बाद 3 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3 p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप चाहो तो इसे इस मेथड से भी करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने 3/4 बार किया तो हम क्या करेंगे, इस बार को हटाने के लिए यानी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के नीचे 9 लगा देंगे। लेकिन ये मेथड सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन 5 के आगे करेंगे। थैंक यू।